तरफ आईसीटीवी के 1200 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालने की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है, वहीं दूसरी तरफ इस मूव को महाजन ग्रुप के संदर्भ में डीजे की लीडरशिप की मजबूती के तौर पे भी देखा जा रहा है। डीजे अभी से इंटरनेशनल टाइप की भी बात करने लगे हैं। उससे हैंडसम तो तू है, हैंडसम लेकिन कंगाल। वो डीजे ना बिलियंस का वारिस है, स्टाइल आइकॉन है दी। रुको मैं दिखाती हूँ, ये देखो दी, मैं तो फॉलो भी करती हूँ उसको। नहीं देखना, अरे देखो तो, नहीं देखना। वैसे भी ना अमीरों को ना सिर्फ पैसों का घमंड होता है और कुछ नहीं, क्यों पापा? नहीं बेटा, सारे अमीर एक जैसे नहीं होते हैं। इस बकवास को देखना बंद करो। काश मैं एक अमीर घर में पैदा हुई होती, मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो। ईशा, हम लोग ना नागर्स हैं, पैसों से नहीं खुशी से रिच है ना पापा? तू बैठ जा। अर्जुन टीवी बंद करो, तुम्हें स्विमिंग कंपटीशन में जाना है ना? जी। तो फिर घर जाकर तैयार हो। जी। वैसे पापा, ईशा ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया मुझे, पापा की कुकिंग एक चैनल शुरू करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना, देखना गारंटेड हिट होगा। लेकिन चैनल मैं हैंडल करूंगी, वीडियो भी मैं बनाऊंगी और एडिट भी मैं ही करूंगी, ठीक है? कर लेना। पानी भी देना मुझे। मम्मा, तुमने बैंगन खा लिया? युविका, तुमने उसको बैंगन सर्व कर दिया? मैंने तो। युविका तू क्या करती है? तुम्हें पता है ना इसको बैंगन से एलर्जी है, दवाई लेकर आओ। युविका उसकी दवाई लेकर आओ। तुम खड़ी क्या हो? दवाई लेकर आओ। पानी पी बेटा, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक हो जाएगा। युविका, 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 तुमसे क्या हर बार चिल्लाकर बात करनी होगी? क्या फोकस कर रही हो ईशा की खांसी पर? एक तो उसको बिना देखे बैंगन खिला दिया, उसके बाद 3 बार मम्मा ने कहा दवाई लेकर आओ और तुम यहीं खड़ी हो। ये पहली बार तो नहीं हो रहा ना ईशा के साथ? तुम्हें पता है ना जब ईशा को अटैक होता है तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है तुम्हें नहीं पता, ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की बातों पे तो ध्यान दिया करो। This is absolutely irresponsible. जरा सोचो, अगर हम में से यहाँ कोई नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? तुम्हारी छोटी बहन है, कोई तुम्हारा शौक नहीं जिसमें 4 घंटे के बाद तुम्हारा मन बदल जाता है। युविका, युविका, युविका उसकी दवाई लेकर आओ। युविका, तुमसे क्या हर बार चिल्लाकर बात करनी होगी? तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है तुम्हें नहीं पता, ठीक है, लेकिन रोजमर्रा की बातों में तो ध्यान दिया करो। पापा, पापा को भी माफ कर देना बेटा, मुझे ऐसा चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर ईशा को कुछ हो जाता तो किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाती मैं, और ये सीरियस सिचुएशन में तो हाथ पैर फुलाकर फ्रीज हो जाती हूँ, ना कोई डिसीजन ले पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ। मम्मी ठीक कहती है, मुझे पता होना चाहिए ना मुझे लाइफ में क्या करना है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, कुछ है भी या वो भी मेरी तरह ब्लैंक है। ऐसा नहीं है बेटा, मोको काहे ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास। मतलब
मतलब ये है बेटा कि किस्मत कुछ नहीं होती, जीने के लिए एक मकसद का होना जरूरी है बेटा। कल का किसी को कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानता है कल क्या होने वाला है। बस ये आज हमारा है, आज हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं ये हमें पता है और उसी पे ध्यान देना चाहिए। और ऐसी किसी आज में तुम्हें अपना मकसद मिल जाए, क्या करना है, क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, इन सब सवालों का मकसद तुम्हें मिल जाएगा। जब ये मकसद मिलेगा मैं उसे पहचान जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, हम सब इस दुनिया में अपना मकसद साथ में लेके आते हैं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब तुम्हारे इस मकसद की जरूरत दुनिया को पड़ेगी तो वो तुम्हारे सामने होगा और तुम उससे जुड़ जाओगे। बस इतना याद रखना यू, जीवन मकसद से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। अपने जीने के मकसद को पाने के लिए इतना गुम मत हो जाना कि किसी और का जीवन तुम्हारे लिए कोई मायने ना रखे। आई नो बट कार्तिक, मैं ना तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। यूपिका प्रेम महाजन, ये बर्थ प्लेस लंदन। ये क्या है? कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में युविका महाजन क्यों लिखा हुआ है? युविका बेटा ये कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है मम्मी, हम लोग तो नागर है ना, तो फिर इसमें महाजन क्यों लिखा हुआ है? पापा, अब मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? ये तो कैसी बातें कर रही है, ये झूठा सर्टिफिकेट है। देख मेरा नाम भी भूमि महाजन लिखा है। लेकिन क्यों मम्मी, पापा का नाम भी प्रेम महाजन लिखा हुआ है, पापा क्यों? अब बेटा मैं तुझे बताती हूँ ना, ये झूठा सर्टिफिकेट है। तेरा प्रॉपर सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं तुझे बाद में दिखाऊंगी। पापा, पापा लुक एट मी, ये क्या है, ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? आप टेंस क्यों लग रहे हो? मैं टेंस नहीं लग रहा हूँ बेटा, ये सर। तू मेरे साथ चल, चल किचन में मेरी मदद कर। और ईशा कहाँ है? ईशा, पापा प्लीज बस एक बार बोल दो कि मैं युविका नागर आपकी बेटी हूँ। आप बोल दो कि नहीं ये सर्टिफिकेट झूठा है तो मैं मान जाऊंगी। भूमि, हाथ धोकर आता हूँ। पापा प्लीज एक बार बोल दो। तो पापा का बीपी क्यों बढ़ा रही है? देखो पता है ना पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तेरा ये जो बचपना है ना। मम्मी मैं पापा से बात कर रही हूँ ना, एक बार बस पापा प्लीज एक बार बोल दो ना आप, मैं युविका नागर ही हूँ ना। मैंने बोल दिया ना, तो क्यों नहीं मानती ये सर्टिफिकेट झूठा है? मम्मी क्योंकि मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मैं पापा के मुंह से सुनना चाहती हूँ। पापा बस एक बार बोल दो आप। मम्मी पापा बोलो ना। पापा प्लीज एक बार बोल दो ना। कुछ कर बेटा, कुछ कर, बहुत खून बह रहा है बेटा, कुछ कर।
क्यों बिगड़ा? अंदर जा, कुछ लेकर आ। बहुत झूठ कह रहा है। प्रेम, 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 अपनी आंखें खोलो प्रेम, अपनी आंखें खुली रखो प्रेम, प्रेम, ये क्या कर रहे हो? पापा ब्लड थिनर्स लेते ना तो खून तो बह गई, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? कुछ तो करना होगा ना। हम लेके जाते हैं पापा को हॉस्पिटल। कैसे होगा बेटा, कैसे होगा? हम ही लेके जाएंगे, मैं पापा को कुछ नहीं होने देने वाली। उठाओ पापा को। अपनी आंखें खुली रखना बस, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं प्रेम। दरवाजा खोल। प्रेम, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। विवेका, जल्दी जल्दी कर बेटा। गाड़ी चलाना तो तुम्हें सीखना ही है। आज की दुनिया में इंडिपेंडेंट होने के लिए ये भी जरूरी है। पर पापा, मुझे इंडिपेंडेंट होना ही नहीं है। पर मैं तो हमेशा के लिए नहीं हूँ। युविका, गाड़ी चला। तुझे गाड़ी चलाने आती है ना, तो बस आज कुछ मत सोच, गाड़ी चला। देख, तेरे पापा का खून बहुत बह गया है बेटा। पापा को हॉस्पिटल पहुंचाना है हमें। युविका, गाड़ी चला। बेटा नहीं पापा, प्लीज मुझे फास्ट नहीं चलानी। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम गाड़ी को सेकंड गियर में तो डाल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।